अस्सलाम वालेकुम। गुड़ के लड्डू, गुड़ की पपड़ी वगैरह वगैरह तो आपने बहुत खाए होंगे। आज मैं आपको अपने बचपन की रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती है। ये इस रेसिपी को बच्चे बड़े वगैरह सभी खा सकते हैं। अगर डिलीवरी के बाद अगर लेडीज़ इसे खाएं तो खून की कमी नहीं होती है और लेडीज़ अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगी। ओके, तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप यानी 1.5 कप गुड़ और 3 सूखे नारियल लिए हैं मैंने। इस तरह से साफ लीजिए और अगर थोड़े मीठे होंगे तो अच्छा रहेगा। और 2 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है और साथ ही हम 3 टेबलस्पून तिल लेंगे। तो आपको पता ही कि तिल कितनी फ़ायदेमंद होती है। तिल हड्डियों की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है और तिल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक पैन को आग पर रखूँगी। आप गैस पर बना सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर इस पैन में गुड़ डाल दिया। गुड़ को आप थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर मेल्ट कर लीजिए यानी पिघला लीजिए बिना पानी डाले के। हमने इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो गुड़ होता है ये विटामिन और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर किसी को आयरन यानी आयरन डिफिशेंसी हो यानी आम जबान में खून की कमी हो तो गुड़ इसे बहुत फ़ायदा देता है। ये हड्डियों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और देखिए, ये गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है। बस हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कुछ कचरा वगैरह हो तो गुड़ में छान लीजिए। उसके बाद आप इसमें तिल ऐड कर दीजिए। तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आप तो जानते ही हैं। और साथ ही हमने इसमें सौंफ ऐड की है। सौंफ हाजमे में मदद करेगी और स्पेशली जो पीरियड्स में यानी माहवारी में जो दर्द होता है पेट में उसमें भी उसे भी कम करने में मदद करती है। तो हमने ये सौंफ वगैरह मिक्स कर ली। उसके बाद एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें आप ये गुड़ डाल दीजिए। गुड़ इसी तरह से हम सारे नारियल के में हम ये गुड़ डाल देंगे और गुड़ डालकर हम इसे इसी तरह से रख देंगे। देखिए, गरम गरम गुड़ हमने ये सूखे नारियल में डाल दिया। अब हम इसे इसी तरह से रहने देंगे। कुछ देर में ही ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही देर में ये गुड़ बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब इस ये जो नारियल है, सूखे नारियल सेट होने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं और सुबह सवेरे आप एक ये नारियल खा लें और उसके ऊपर से दूध पी लें। या फिर अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं तो उसके साथ आप भुने चने यानी जो फुटाने कहते हैं जिसे, वो आप खा लें। क्योंकि ये जो फुटाने होते हैं, भुने चने होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हार्ट हेल्थ के लिए, शुगर के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो आप इन्हें स्पेशली सरमा में बनाएं, डिलीवरी के टाइम पर बनाएं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रेसिपी सिंपल है लेकिन बहुत फ़ायदा देगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबास बेस्ट क्लासेस।